फिर बायोमेंटस कैसे चलता है, क्या तरीका चलने का, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि आप जुड़ने जा रहे हैं साल भर के लिए तो आपको पता होना चाहिए। बायोमेंटस एक प्रकार से नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। हम जो है तो एक कंपनी, लेकिन हम काम कैसे करते हैं, हम प्रॉफिट मेकिंग पर फोकस नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे सर जैसे आप बोल रहे हैं नॉन प्रॉफिट, तो आपको तो फ्री पढ़ाना चाहिए, आपको तो सब्सक्रिप्शन की फीस लेना ही नहीं चाहिए, आपको आप क्यों सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, एक तो एक तरफ तो बेच रहे हो और फिर बोल रहे हो कि नॉन प्रॉफिट है। मैंने ये नहीं बोला बेटा आपसे कि चैरिटी है, चैरिटी विद डिग्निटी है। यहां पे दो चीजें होती है, एक होती है चैरिटी, एक होती है चैरिटी विद डिग्निटी। मैं जो सब्सक्रिप्शन फी ले रहा हूं वो चैरिटी विद डिग्निटी है, कि यहां पर हमारी टीम जो है वो प्रॉफिट मेकिंग पर फोकस नहीं करती है, और वो फोकस करती है कि आपको कम से कम कॉस्ट में बेहतर कंटेंट डिलीवर हो सके। आप बोलोगे सर फीस तो ले रहे हो आप हमसे, हमारी गुल्लक तो फोड़ दी आपने, फीस तो हमसे ली आपने, अब इस फीस का करते क्या हो आपके, आपके दिमाग में जो है वो आएगा कि फीस कितनी है। चलो बात करते हैं कितनी फीस है। देखो बेटा आपके जो कोर्स की फी है उसमें क्या शामिल है, डेली न्यू रेगुलर क्लासेस ऑन ऐप एंड वेबसाइट। क्लियर कर दूं, जो नीट 2022 और 23 का जो सेशन है उसकी जो नई रेगुलर क्लासेस हैं, जो आपका रेगुलर सेशन है, जो क्लासेस हैं, वो बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर रेगुलर आएंगी। आपके दिमाग में झट क्वेश्चन आया सर YouTube का क्या होगा, तो YouTube के वीडियोस डिफरेंट होंगे बेटा। YouTube के वीडियो जो है वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट वाले कुछ वीडियोस YouTube पर लगातार आते रहेंगे, वो रुकेगा नहीं YouTube पे काम। YouTube के पर पुराने सभी वीडियो जो है एज इट इज प्लेलिस्ट बनाकर अवेलेबल रहेंगे ताकि बच्चे पढ़ सकें। अब आप बोलोगे सर ये आप क्यों कर रहे हैं साहब, क्योंकि बेटा हमारा YouTube चैनल हाल ही में हैक हुआ, हमारे चैनल में जो है वो YouTube चैनल को हैक करने की कोशिश की गई, कंटेंट को डिलीट करने पर आपको वैसे कई बच्चों को जो है वो दिक्कत हुआ, और ये हमारा वेबसाइट है एप्लीकेशन हैक नहीं हुआ, हमारा YouTube चैनल हैक हुआ। और YouTube में गूगल वालों ने बताया मेरे को, जो बड़ी बात है गूगल ने, उन्होंने कहा कि किसी प्रोफेशनल हैकर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको पैसा दिया गया कि भैया तुमको इनका YouTube चैनल जाके डिलीट कर देना है, खत्म कर देना है चैनल को जाकर। तो इस लेवल तक जो है हमारे जो कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन के वाले लोग हैं वो उस लेवल तक आ चुके हैं। बकायदा हमने काफी समय तक गूगल पर सपोर्ट टीम से बात किया, सब कुछ किया, उन्होंने ये बताया कि दैट मे बी पॉसिबल कि ये जो है वो प्रोफेशनल हैकर्स हैं जो गाते हैं, और ये एक आध किसी टीचर का उन्होंने डिलीट भी पहले कभी किया हुआ है। किस्मत से हमारा उन्होंने लाइव स्ट्रीम जैसे किया, तो हमारी टीम पुरुष में वॉच होती है, उन्होंने खट से उनको हटा के बाहर किया, तो वो कुछ वीडियो हटा चुके थे, बाकी भी हटाए थे वो लोग। तो हमें YouTube की सिक्योरिटी को लेकर बहुत कंसर्न हो गया है इस समय, इसलिए मैं बोलूंगा कि बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन पर वेबसाइट पर आपके वीडियोस बकायदा अवेलेबल रहेंगे, नए रेगुलर वीडियो वहां रिलीज होंगे आपके, और उसमें भी आपका जो नया टेक्नोलॉजी उसमें आपका कम से कम डेटा कंज्यूम होगा आपका, ये भी ध्यान रखा गया है। आप वीडियो की क्वालिटी को आप अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे, स्पीड को कम ज्यादा कर पाएंगे, सारे प्लेयर्स में बहुत सारे सुधार किए गए हैं। आगे भी बेटा आपको कोई दिक्कत आएगा हम इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो जो न्यू रेगुलर क्लासेस हैं आपकी वो ऐप और वेबसाइट पर रहेंगे। ये एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो भी फीस लेते हैं वो रियल टाइम एक्सपेंडिचर पे खर्च होती है, मतलब जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट उस पर खर्च होता है, और सब्सक्रिप्शन फी जो है 449 से लेकर 899 तक है, मतलब जो बेस्ट पैकेज है वो 450 रुपए के आसपास का है, जो साल भर का इकट्ठा लेते हैं तो वो 4000 रुपए के आसपास, 3999 रुपए पड़ता है, ठीक है। और उसके अंदर 18% जीएसटी भी शामिल है बेटा, मैं क्लियर कर दूं कि इसके अलावा जो कॉस्ट बता रहा है आपको पैकेज, बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते पहले कि सर ये बताया फिर आपने जीएसटी लगा दिया, जीएसटी हमारी पॉकेट में नहीं जाता है, गवर्नमेंट को हमें एक टैक्स जो है लेकर आपसे लेकर सरकार को देना होता है, और वो उसके बड़े तगड़े प्रोविजन है, उसको मिस नहीं कर सकते हम लोग। तो 18% का जीएसटी उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर लगाया हुआ है, तो 18% जो है जीएसटी शामिल है, मतलब समझ लीजिए कि 4000 रुपए में से 18% मतलब तकरीबन आप समझ लीजिए 1/5 भाग, 800 रुपया वो सरकार को गया, 3200 रुपया मतलब 12 महीने में जोड़ोगे आप तो आपको 250 रुपए पौने 300 रुपए के आसपास पड़ेगा, ठीक है। ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। किस सब्सक्रिप्शन में क्या क्या शामिल है ये ऑलरेडी वेबसाइट पर दे रखा है बेटा, तो यहाँ पे आपका जो सब्सक्रिप्शन फी है वो 449 से शुरू होता है, और प्राइम वाला 899 का, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सभी लेक्चर यूट्यूब पर फ्री रहेंगे, एप्लीकेशन फ्री रहेंगे, तो किसी लेक्चर को किसी वीडियो को नहीं हटाया जाएगा। वो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, जिनको फ्री पढ़ना है, जिनके पास एक भी रुपया खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए शिक्षा में पैसा बाधा नहीं बनेगा। तो आपके यूट्यूब पे सभी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से लेके आखिरी चैप्टर जो अपना है, मतलब हम बोले लिविंग वर्ल्ड से लेकर एनवायरमेंटल इश्यूज तक, आखिर ने पूरा सिलेबस बायोलॉजी का एज इट इज अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर अवेलेबल रहेगा आपको। आपको रोज शेड्यूल आएगा, आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग वहां से पढ़ लीजिए। आपको पुराने वीडियो के लिंक भी दे रखे होंगे, लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आप। तो आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि हर साल कोई कंटेंट में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता है, पर रेगुलर बैच में नए बैच में पढ़ने में थोड़ा सा एंथू होता है, थोड़ी नई समय की बातें होती है उसमें, थोड़ा सा एक प्रकार समझ लीजिए कि थोड़ा सा टीचर का बच्चों का बॉन्ड थोड़ा और स्ट्रॉन्ग जाता है वो चीजें। तो YouTube से हम वीडियोस नहीं हटाएंगे, सारे बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगे, सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, मैं ही पढ़ा रहा हूं वही सब कुछ है बेटा, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। कि मतलब मैं आपसे आपके पढ़ने, ठीक, याद रखिएगा बेटा बायोमेंटर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के साथ ही जो है ये जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके बाद जो है रिफंड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए प्लीज के बिफोर पेइंग ए सिंगल रुपी टू बायोमेंटर्स अपने आपको इंश्योर कर लीजिए, अपने आपको सोच लीजिए कि आप लेने के बाद, क्योंकि क्या होता है जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका बड़ा कॉस्ट ऐसा ये लॉकर सिस्टम है, बायोमेंटर्स का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉकर सिस्टम पे काम करता है। जैसे आप लेते हैं तो आपके नाम का एक पर्टिकुलर स्पेस सर्वर में ब्लॉक रहता है, जहां पे पूरा कंटेंट सेव होता है।
जैसे बैंक में हम लॉकर लेते ना तो बैंक पूरा बैंक नहीं खरीदते हैं, बैंक में एक एफडी रखा, हमने एक लॉकर मिल गया, अब वो लॉकर आपका हो गया, तार चाबी लगाइए, खोलिए, जो रखना वो रख लीजिए। बायोमेट्रस के अंदर भी जो सिस्टम है वो ऐसी काम करता है कि जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके नाम पे एक लॉकर आता है और वो लॉकर आपके नाम पे एलोकेट होता है। तभी आप जब कभी बच्चा बेड शिफ्ट करता है तो पुराना कंटेनर लॉकर को खाली कर दिया आपने, तो हमें दिक्कत होती है। हमारा सिस्टम थोड़ा सा एडवांस सिस्टम पे हम काम करते हैं, बेस्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप किया हुआ हम लोगों ने। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, मुझे नहीं मालूम लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।